जय श्री राम। तो आज मैंने सोचा अपनी लाइब्रेरी थोड़ी दिखा दूँ, ठीक है? फिर उसके बाद हम ये निर्गुण निराकार सगुण साकार की बात करेंगे। तो फिलहाल हालत क्या चल रहा है इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। ये आपके ये आएगा एक वीडियो क्लिप, तो वो देखना मेरे घर, मतलब ये चैनल बनने में और कितना टाइम लगेगा आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, ठीक है? भाई लोग देख पा रहे हो, ये सब है, ये लाके रखे हैं रिपोर्टर्स, ये सब डलेगा। ये बनेगा मेरा ये स्टूडियो, देख पा रहे हो? यही रूम बनेगा मेरा स्टूडियो। ये फिलहाल इसी हालत में है। ये लोग एक एक दिन आते हैं, कभी नहीं आते। मेरा ये पैसा लेके रखे हैं, आज तक बन नहीं पाया, देख रहे हो? ये घर की हालत अभी फिलहाल ये बन के मतलब यही हालत में है। आज काम करके गए हैं, ये देखो, ये आप देख सकते हैं, यही काम करके इतना हो के रखा है। अगले महीने 15 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा। अगर वो लोग रोज आके काम करे तो ये खत्म हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये रोज काम चल रहा है, किसी पैसा लेके रखे हैं लेकिन आ नहीं रहे, क्या कर सकते हैं? एक बार मेरा स्टूडियो बन जाए तो वहीं पे, मतलब उसी दिन से हम लाइव करेंगे सेशन, ठीक है? आप लोग आओगे, हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, ठीक है? ये तो जब तक ये बन के कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे। जब तक एक बार कंप्लीट हो गया तब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ना है शुरू करेंगे, ठीक है? स्क्रिप्चर्स में हम दर्शन ही पढ़ेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। दर्शन पढ़ेंगे और मनुस्मृति पढ़ेंगे। मेरे पास जितने, मेरे घर में जितने जो भी स्क्रिप्चर्स हैं मैं आपको दिखाऊंगा। वेद पढ़ेंगे, जो जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो सब पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल यही हाल है। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ या आपसे कोई सहानुभूति नहीं चाह रहा हूँ, मतलब सच्चाई बता रहा हूँ। ये फिलहाल मेरा ये का पोजीशन यही है, ठीक है? ये है एक्चुअली, ये लाइब्रेरी लाइब्रेरी ही कह सकते हो। ऐसे मेरे पास 3 घर है, मतलब ये सारा किताब, ये जो देख रहे हो ये सारा किताब, ठीक है? यहीं से देखते रहो, ये सारा किताब, ये देख पा रहे हो, देख पा रहे हो? ये देखो, ऐसे मेरे ये एक लाइब्रेरी है और ये उस साइड और एक, मतलब ऐसे ही ये घर में लाइब्रेरी है। ये है भागवतम, भागवत महापुराण, तो ये है मनुस्मृति, मनु संहिता व मनुस्मृति, ये है, ये है भागवतम द्वितीय खंड, और ये रामचरित मानस होएगा। तो ये है श्रीमद्, ये गीता है, भागवत गीता, ठीक है? और ये रहा, ये देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, ये रहा रामचरितमानस। ये कितना पुराना रामचरितमानस, ये तुलसीदास जी का है, ठीक है?
और ये उस तरफ ये है, मतलब सामने का भी ये करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये मेरे पास है कितना मतलब लिटरेचर कितना भरा पड़ा है। ये देखो, ये देख रहे हो ठीक है। तो ये रहा, ये एक अलमारी में ये पूरा फूल रहा, देख पा रहे हो। और ये रहा, ये देख रहे हो ये, और ये जो कार्टून देख रहे हो इसके अंदर भी सारा किताब ही भरे पड़े हैं। और ये ऊपर भी देख लो, ये ऊपर देख रहे हो, और इसके नीचे ये जो कार्टून है इसके अंदर किताब ही किताब भरे पड़े हैं। ये हो गया एक लाइब्रेरी। और घर के मतलब ये और एक मतलब ऐसे रूम है, उसमें भी इतना सारा ये आपका आपको मिल जाएगा क्या? खाली किताब ही किताब। मतलब मेरे घर में अगर सारा किताब ला के एक ही घर में आप जमा कर दो तो ये आधा रूम पूरा फुल हो जाएगा छत तक। मतलब इतने इतने सारे किताब हैं। तो हम तो ब्राह्मण हैं तो थोड़ा बहुत हमें भी जानकारी है, ये माँ बाप पढ़ते हैं उनसे सुनते हैं, खुद भी कभी कभार पढ़ लेते हैं। तो ये कोई किताब रखता है उसको ज़रूर कभी ना कभी तो पढ़ता होगा, अगर नहीं पढ़ता होगा तो इतना किताब खरीदेगा है कि नहीं। तो ये वो जो मेरा घर का काम चल रहा है एक बार वो ख़त्म हो जाए ठीक है, उसके बाद हम बैठ के एक एक किताब लेंगे, एक एक किताब लेके उसको पढ़ के देखेंगे उसमें लिखा क्या है ठीक है, जितना मेरे पास है, और अगर ज़रूरत पड़े तो मंगवा देंगे ठीक है। तो दूसरी ये और जो एक रूम है उसमें जो है उसमें है वेद है, वहाँ पे रामचरितमानस है, वो पूजा के घर में ये जो भी किताब पढ़े हुए हैं वेद है, रामचरितमानस है, और श्रीमद् भागवत गीता है, और ये दो चार किताबें हैं। और मेरे ये मैं फिलहाल न्याय दर्शन के ऊपर ये जो किताब है उसी को थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ ठीक है। एक्चुअली होता क्या है तो ये किताब, ये जितने भी किताब हैं, या तो आप किसी पर्टिकुलर गुरु को पकड़ के पढ़ो तभी समझ में आएगा। ये जो भी किताब हमारे पास मिलते हैं वो उतना विविडली डिस्क्राइब नहीं करते, विविडली डिस्क्राइब नहीं करते, मतलब जो दर्शन की किताब मैं पढ़ रहा हूँ फिलहाल वो उतना विविडली डिस्क्राइब नहीं करते, वो खाली हिंट दे के चले जाते हैं, मतलब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये क्या है ऐसे। तो उसको अगर मतलब जिसको आप कहते हो तर्जुमा नहीं करोगे तो वो तो आपको उतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। कोशिश कर रहा हूँ अगर मुझे मिल जाए तो मैं खाली ये हम दर्शन ही देखेंगे। तो ये दर्शन मनुस्मृति लॉस कैसे फॉर्म होता है, दर्शन क्या कहता है, वेदांत क्या है, ये जो बीच में मैं दूसरे जो भी स्पीकर हैं उन लोगों का वीडियो इसीलिए अपलोड करता हूँ, मुझे वो लोग ये ऑथेंटिक लगते हैं इसीलिए मैं अपलोड करता हूँ। मैं जितना पढ़ा हूँ और जितना समझा हूँ वो लोग जो बात बोल रहे हैं वो उसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब मैचिंग कर रहा है, इसीलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए हम किस चीज़ के ऊपर मतलब डिस्कशन करने वाले हैं फ्यूचर में ठीक है। ये जो दर्शन है, ये दर्शन कोई हाँ ये जो दर्शन है हिंदू किसी चीज़ के ऊपर ईमान नहीं लाता ठीक है। ये लिखा है हमें ईमान लाना पड़ेगा, वो लिखा है हमें ईमान लाना पड़ेगा, नहीं हम हिंदू कभी ईमान नहीं लाते। हम क्या करते हैं, हम जो भी बात करते हैं वो उतना बात हमें पता है ठीक है, उतनी बात हमें पता है नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। पता है मतलब उसके पास हमारे पास प्रूफ है, आत्मा की अगर आप बात कर रहे हो जी आत्मा की प्रूफ है इसलिए तो बात कर रहे हैं ना, अगर नहीं होता तो क्यों करते। हम यहाँ पे किसी भी चीज़ पे कोई ईमान नहीं लाता ठीक है। आप पढ़ के देखोगे, अगर आपको लगा हाँ ये बात सही है
तब जाके आप ये बोल सकते हो हाँ ये मुझे मालूम है, ये है क्या जी, ये मुझे मालूम है। कम से कम किताबी नॉलेज तो है। आत्मा की मैं महसूस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आत्मा होगा ही होगा, किताबी नॉलेज तो मेरे पास है, इतना तो आप कह ही सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं किसके ऊपर, ये सगुण साकार के ऊपर। सगुण साकार ये सगुण साकार है क्या चीज? साकार मतलब जिसके पास बॉडी है, इतना मान के चलो जिसके पास बॉडी है वो है साकार। वैसे साकार में किस चीज, पत्थर भी साकार है, बॉडी है, इंसान भी साकार है, जानवर भी साकार है। जिसके पास बॉडी है वो है, जिसके पास बॉडी हो या मांस हो जो भी हो वो साकार है। ठीक है, साकार मतलब जिसको हम छू देख महसूस कर सकते हैं, पांचों इंद्रियों से जिसको हम छू देख ये सब महसूस कर सकते हैं, वो है साकार। सगुण क्या है? जिसके अंदर गुण है। गुण क्या है? गुण है फितरत, अल करीम, अल रहीम, अल रहमान और अल गफार, ये सब है गुण। ऑनेस्टी, डेलिक्वेंसी और ये उस फिलंथ्रोपी, ये सब है इंसान की फितरत। ठीक है, ये सब है गुण। हार्ड, हार्डनेस, ये लाइट, ये सब है एक एक गुण। ठीक है, गुण फितरत आप समझ रहे हो, गुण क्या है, मतलब फितरत जो है इंसान का जो फितरत होता है उसी को ये संस्कृत में गुण कहा जाता है। यहाँ पे एक बात हम नोटिस कर रहे हैं क्या, अगर जिसके पास बॉडी है मतलब मास है उसी के पास ही गुण है। ठीक है, और बॉडी इंसान के बॉडी के अंदर इंसान के गुण रहेंगे। ठीक है, इंसान के पास जैसे बॉडी है इंसान के पास वैसे गुण रहेंगे। बॉडी गुण को धारण करने के लिए एक बॉडी चाहिए, बगैर बॉडी के आप गुण धारण नहीं कर। पत्थर के अंदर आप आल करीम डाल सकते हो, पत्थर के अंदर आल करीम है, आल रहीम है, आल रहमान है, ये सब जो गुण है, ये सब जो फितरत है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये किसके अंदर डाला जा सकता है? इंसान के बॉडी के अंदर डाला जा सकता है, जानवर के बॉडी के अंदर डाला जा सकता है, वो भी मतलब नेचर जब चाहे तभी ये सब गुण निखर सकते हैं। ठीक है, ये खुद से जानवर खुद से चाह के अलकरीम नहीं बन जाएगा। ठीक है, मतलब वो खुद से सोच के अलकरीम, इंसान खाली सोच के ये अलकरीम उसका वो गुण निखार सकता है। मतलब मुझे किसी को दान करना है, ठीक है, मुझे किसी को डोनेट करना है, मैं सोच सकता हूँ डोनेट कर सकता हूँ, जानवर वो नहीं कर सकता। जानवर अगर मान के चलो गाय है, गाय अगर वो देना चाहेगी भी, मतलब उसके अंदर अलकरीम डाल दो, ठीक है, डाल दिया तो गाय को आप, ये गाय खुद से अगर वो चाहेगी, मैं नहीं, मैं आज दो लीटर दूध दे रही थी, मैं 4 लीटर आज दूध दूंगी, वो दे पाएगी? तो जैसे गुण है, मतलब जैसे फितरत है, उसी हिसाब से आप लोगों के पास बॉडी होनी चाहिए। बॉडी में फिट करने के लिए जैसे बॉडी होगा वैसे गुण ही फिट होगा। किसी के भी बॉडी के अंदर कुछ भी गुण आप फिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया गुण और ये है साकार। साकार समझ में आ गया, गुण समझ में आ गया। और हम क्या देखें, ये देखें कि जैसे बॉडी रहेगा वैसे आपके पास गुण रहेंगे, या बॉडी के एक पर्टिकुलर पेड़ के अंदर, मान लो पेड़ एक बॉडी है, उसके पास एक बॉडी है, तो पेड़ के अंदर पेड़ों जैसे गुण ही आप फीड कर सकते हो। ठीक है, पेड़ के अंदर आप इंसान जैसे गुण नहीं फीड कर सकते। पेड़ मान लो उसके अंदर आल करीम डाल दिए, पेड़ के अंदर आप मान लो डाल दिए, ठीक है, इंजेक्शन जैसे सीना चाक करके वो ईमान डाले थे, वैसे पेड़ के अंदर आप चाक करके आल करीम उसको इंजेक्शन दे दिया, आल करीम इंजेक्शन। तो पेड़ अगर चाहेगा अगले दिन मतलब फल दे सकता है आपको?
दे सकता है नहीं दे सकता, जैसे नहीं दे सकता मतलब हम तो कभी देखे नहीं, कोई अगर देखा होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स जो है नीचे लिखना, ठीक है। जैसे बॉडी होगा वैसे उसी के अंदर वैसे गुण डाला जा सकता है। सबसे ज़्यादा गुण अगर कोई भी मतलब लिविंग बींग के अंदर है तो इंसान के पास, ठीक है। इंसान के शरीर के अंदर जितने गुण हैं, जितने टाइप के फितरत हैं, वो और कोई लिविंग बींग के अंदर नहीं। अभी चलते हैं अल्लाह के पास, अल्लाह सब्जेक्ट के ऊपर। तो अल्लाह के पास तो बॉडी नहीं है, ये अल करीम अल रहीम 199 नेम्स अल्लाह के हैं, मतलब वो सब एक एक ये फितरत का क्लासिफिकेशन है, अल रहीम अल रहमान और ना जाने क्या क्या। ये कहाँ अल्लाह डाल के रखा ये मैं समझना चाहता हूँ। मैं बहुत कोशिश किया नहीं समझ पाया, तो आप लोग जो समझदार हैं मेरे को थोड़ा समझा देना। ये अल्लाह के पास जो अल करीम, उसके पास तो बॉडी नहीं है, ये अल करीम अल रहमान ये सब डाला कहाँ, ठीक है। आज के ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे को समझा देना लिख के, ठीक है। ये कौन लिखा, ये कुरान जो भी लिखा कौन लिखा, मतलब कुछ भी ये कोई भी किताब ले आओगे, कुछ भी लिखोगे उसके ऊपर आप ईमान ले आओगे, कम से कम सोचोगे। यार सोचना भी मना है, गुनाह है इस्लाम में, इस्लाम में सोचना गुनाह नहीं है ना, या जानना गुनाह है नहीं। बोल दो अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं मतलब सोचेंगे नहीं, ईमान लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, जय श्री राम।